हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। कैसे हैं आप सभी, होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट टू ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर, जिसमें हम आज से हम स्टार्ट करने जा रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इससे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप की वीडियो भी डाल दी है चैनल पर, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसको भी देख लीजिए, उसके बाद इसमें आइए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन के बाद हम देखेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से हम कार्बोनिल कंपाउंड से भी बना सकते हैं अपने अल्कोहल फिनोल या अल्कोहल, सबसे पहले तो अल्कोहल, और फिर अपना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर चैप्टर में देखने मिलेगा आपको, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो जाते हैं स्टार्ट हम आज के हमारे टॉपिक के साथ, जो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन, मतलब आपको अल्कीन का स्ट्रक्चर तो पता ही होगा। अल्कीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, अल्कीन होता है अपना कुछ इस प्रकार, सी डबल बॉन्ड ओ। अब दो मिनट इधर रुक जाइए, अपन को बनाना क्या है, अपन को बनाना है अल्कोहल आ जाए अपना किस तरीके से, अल्कोहल। अब अपन को क्या लाना है, इधर OH लाना है। तो आपको थोड़ा बहुत तो जनरल क्या, थोड़ा बहुत तो आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा कि अगर अपन को OH लाना है तो अपन को एक ही कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं, एक ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं, वो पानी H2O यूज़ करेंगे ना, H2O का यूज़ करके, और इधर H+ लगा कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, उसी से अपन अल्कोहल बना सकते हैं। इसलिए अपन ने यहाँ पे H2O का एडिशन करा हुआ है, जिससे अपने को अपना जो प्रोडक्ट लाना है वो क्या है, अल्कीन से अल्कोहल लाना है, वो बन सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके तीन स्टेप में मैकेनिज्म समझा रखे, चार स्टेप में, तो मैकेनिज्म को हम समझेंगे। उससे पहले एक एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाता है। इसका एग्जांपल है CH2CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O गिव्स दैट, क्योंकि ये अपनी रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए CH3CH CH2 और OH। ओके, CH2 और OH। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या कहता है इसका, सबसे पहले तो H2O और H+ को ऐड करना पड़ेगा, तो उससे अपना क्या मिलेगा, अपन को H2O प्लस H पॉजिटिव को ऐड करते तो उनको मिलेगा H3O पॉजिटिव। इसको अपन क्या बोलते हैं, पढ़ाओ आपने, हाइड्रोनियम आयन। इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको अपन। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपन अपना जो अल्कीन है इसको ऐड करते हैं अपन इसी हाइड्रोनियम आयन में, उसका बड़ा स्ट्रक्चर बना ले। ये लोन पेयर्स हैं पॉजिटिव H H। अब होता क्या है, ये डबल बॉन्ड ले, ये सिंगल बॉन्ड O ले लेता है और ये हो जाता है अपना न्यूट्रलाइज। और क्या होता है, ये डबल बॉन्ड का बॉन्ड जाके इधर चला जाता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इसी से जाके ये H कनेक्ट हो जाता है। तो प्रोडक्ट बनता है पहले स्टेप का C पॉजिटिव ये प्लस H2O एज इट इज आ गया है, और ये अपना बन गया कार्बोकेटन। अब क्या करना है अपन को, पहले तो अपन ने प्रोटीनेशन कराया, अब अपन ये जो H2 है इसी को इसमें ऐड करेंगे, अपन न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराएंगे ऑन कार्बोकेटन। तो सेकेंड स्टेप होगी अपनी कि अपन न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराएंगे ऑन कार्बोकेटन। तो क्या होगा, एज इट इसको लिख लें इधर, HC पॉजिटिव प्लस H2O डबल बॉन्ड। और रिएक्शन कैसे होगी देख ली, ये जो है ओ ये इससे बॉन्डिंग कर लेगा, इस इसका प्लस साइन हट जाएगा, तो ये जो पूरा का पूरा H2 है ये इसके ऊपर जाके लग जाएगा। कैसे लगेगा, CH एज इट इज ये हो गया अपना न्यूट्रलाइज, या लगा इधर ओ इससे एच और इधर अपना ये पॉजिटिव आ गया क्योंकि इससे डोनेट करा, तो ये अपना बना सेकेंड प्रोडक्ट जो आपको अपनी NCERT बुक्स में देखने मिल रहा होगा। अब फ्रेंड्स, थर्ड प्रोडक्ट क्या बना, थर्ड प्रोडक्ट के लिए चलते हैं आगे, थर्ड प्रोडक्ट के लिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है अपनी कुछ इस प्रकार, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। अब अपन को करना यूँ है कि अपन को जो ये प्रोटोन मतलब जो अपन ने ऐड करा था प्रोटोन, उसको हटाना है, क्योंकि आप देख सकते हैं इधर अपना फाइनल प्रोडक्ट लास्ट में क्या आया था अपना OHH। अब इधर से एक एच हटाएंगे तभी तो अपना OH आ पाएगा, तो अपन को इसको डीप्रोटीनेट करना है, मतलब ये प्रोटोन अपन को इधर से हटाना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है। कैसे तोड़ते हैं, लेट्स सी, एज इट इज इसको इधर लिख लें, CH CO पॉजिटिव H H H2O
डबल बॉन्ड बना। अब क्या होगा, ये जो है ये चले जाएगा ना इधर इसके पास, मतलब ये इसको डोनेट कर देगा और अपना सबसे पहला हाइड्रोनियम आयन ही अपन को वापस मिल जाएगा। मिला क्या जो चाहिए था अपन को, अपना अल्कोहल, वो मिल गया प्लस H3O पॉजिटिव। तो अपने को अपना हाइड्रोनियम आयन भी वापस मिल गया, साथ साथ जो मेन अल्कोहल लाना था ये है अपना अल्कोहल। और फ्रेंड्स एक चीज़ आपको बता दूँ मैं कि जो अल्कोहल है ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी, तीनों बन जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब आपको टर्शरी प्राइमरी सेकेंडरी कैसे होते हैं वो भी मैंने बता दिया है। एक और बता देता हूँ कि अगर अपना जो कार्बन कनेक्टेड है OH से जिस जो कार्बन कनेक्टेड है वो कितने अल्काली ग्रुप से कनेक्टेड है वो देखा जाता है। अगर दो से कनेक्टेड है तो सेकेंडरी होगा, एक अकेला खुद ही है तो प्राइमरी होगा, और तीन से कनेक्टेड है तो वो टर्शरी होगा। तो फ्रेंड्स ये हमारी ख़त्म होती है पहली प्रिपरेशन जो थी फ्रॉम अल्किन से। नेक्स्ट वीडियो आएगी हाइड्रो बोरोएशन ऑक्सीडेशन। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो